हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की पाइथन ट्यूटोरियल की इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, और देखेंगे कि किसी भी डेटा टाइप का पता हम कैसे लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का है या नहीं, या कौन से डेटा टाइप का है वो कैसे पता लगा सकते हैं टाइप फंक्शन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टाइप का मतलब क्या है। डेटा टाइप चाहे पाइथन में हो चाहे किसी भी और लैंग्वेज में हो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू, यहाँ पे जैसे मैंने डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल लिखा है, तो आप यहाँ पे साथ में डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू भी समझ सकते हैं। चाहे कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल क्या होता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में ऐड कर रही हूँ। आप अगर वेरिएबल में कोई भी कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल हो या वैल्यू हो, उसका डेटा टाइप क्या मतलब बताता है कि वो किस तरह की वैल्यू है, और उसके साथ साथ उस वैल्यू पे किस तरीके के हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो वैल्यू या डेटा अलग अलग तरीके का हो सकता है। नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो सकता है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में डेटा हो सकता है, मतलब ए बी सी ये भी एक डेटा है, ये भी एक वैल्यू है, और 1, 2, 3 या 12.7 ये भी एक वैल्यू है ना। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक साथ एरे की तरह या लिस्ट की तरह स्टोर करनी है, वो भी एक अलग तरीके का डेटा टाइप है। तो किस तरह की वैल्यू है या फिर एक वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर्ड है, वो डेटा टाइप से हमें पता लगता है। और उसके साथ साथ जब हमें किसी भी वैल्यू या वेरिएबल का डेटा टाइप पता लगता है, हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस वैल्यू या वेरिएबल पे हम किस तरीके के ऑपरेशंस या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो आपके पास वैल्यूज़ हैं से 1 और 3, तो इस पर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिविजन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड, क्या इस पे आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। क्या इस पे आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। तो कौन से तरह की वैल्यू है ये तो बताता ही है डेटा टाइप। प्लस अगर एक पर्टिकुलर तरह की वैल्यू है, सपोज ये नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इस न्यूमेरिक वैल्यू पे कौन कौन से फंक्शंस ऑपरेशंस करना अलाउड है, वो भी हमें डेटा टाइप की मदद से पता चलता है, ठीक है। अब पाइथन में हर डेटा टाइप एक क्लास की तरह डिफाइंड है। क्लास का क्या मतलब है? क्लास, अभी हम डिटेल में आगे इस कोर्स में ज़रूर पढ़ेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझिए कि क्लास एक ग्रुप है या फिर एक बैग है जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर क्लास में, उस पर्टिकुलर बैग में जितनी भी चीज़ें होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और उस पर क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रियल वर्ल्ड से रिलेट करूं, तो हर ऑब्जेक्ट जो आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आपका बैग हो, हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो उसे डिफाइन करती है। जैसे मोबाइल फ़ोन में उसकी एक स्क्रीन होगी, उसका एक कैमरा होगा मोस्ट लाइकली स्मार्टफोन का, बैग में कुछ पॉकेट्स हो सकती हैं, हो सकता है एक हैंडल हो, लैपटॉप की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है? बैग बुक्स या थिंग्स को कैरी करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, मोबाइल फ़ोन कॉलिंग के लिए यूज़ हो सकता है, लैपटॉप्स अलग अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है ना। तो क्लास आप ऐसे देखिए कि हर जो रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस और या ऑपरेशंस को एक साथ डिफाइन कर दूँ, तो उस एंटिटी को मैं क्लास कह रही हूँ, ठीक है। और हर उस क्लास का ऑब्जेक्ट एक पाइथन का वेरिएबल या इंस्टेंस बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो लैपटॉप हो गई एक क्लास, लैपटॉप की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि लैपटॉप में उसका एक स्क्रीन होगा, स्क्रीन का कुछ साइज़ होगा, लैपटॉप में कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बाद लैपटॉप की कोई कंपनी होगी जिसने उसे मैन्युफैक्चर किया है, फिर उसका कुछ प्रोसेसर होगा, ठीक है। सपोज़ यही चार हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। अब लैपटॉप एक क्लास है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है, साइज़, कीबोर्ड, कंपनी, प्रोसेसर,
और इसके कुछ इसी क्लास में लैपटॉप के कुछ फंक्शंस डिफाइंड है. सपोज लैपटॉप आपको वीडियो प्ले करने की को अलाउ करता है, प्रिंटिंग करने के लिए अलाउ करता है, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता है. सपोज ये तीन फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, वीडियो प्लेइंग, प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट क्रिएशन. अब ये हो गई क्लास जिसमें हमने जेनरिक बताया कि क्या फंक्शंस है और क्या प्रॉपर्टीज है. अब आपका एक डेल का लैपटॉप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है. तो क्लास का एक स्पेसिफिक टाइप, जब जिसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं और स्पेसिफिक ऑपरेशंस है, इस जो आपका डेल का लैपटॉप है उसकी स्पेसिफिक कंपनी है डेल, उसका प्रोसेसर की एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये कहलाता है इसका ऑब्जेक्ट. तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ऐसे किसी और का लैपटॉप हो सकता है लिनोवो का, किसी और का लैपटॉप हो सकता है HP का, एंड सो ऑन. तो अलग अलग लैपटॉप उस कॉमन जनरल लैपटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं या इंस्टेंसेस हैं, ठीक है. इसी तरीके से पाइथन में हर डेटा टाइप एक क्लास की तरह डिफाइंड है, और उस क्लास में क्या स्पेसिफाइड है कि उस डेटा टाइप में किस तरह की वैल्यू होंगी, उन वैल्यूज की क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या डेसिमल पॉइंट अलाउड है, क्या कैरेक्टर्स अलाउड है या सिर्फ डिजिट्स अलाउड है, और उन पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. तो अगर एक डेटा टाइप हमारे पास है, सपोज कैरेक्टर या स्ट्रिंग, ठीक है, डेटा टाइप एक स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, तो उस पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिविजन और पावर फंक्शंस अलाउड नहीं होंगे, जबकि जो दूसरी क्लास है, जो इंटीजर क्लास है, जो दूसरे डेटा टाइप को डिफाइन कर रही है, इंटीजर डेटा टाइप को, उसमें ये सारे ऑपरेशंस अलाउड होंगे. तो पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है, वो बताता है किसी भी वेरिएबल और वैल्यू में किस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं और उनके क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. हर डेटा टाइप पाइथन की एक क्लास की तरह डिफाइंड है, और हर वेरिएबल या वैल्यू जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी एक डेटा टाइप का, तो उसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. अब देखते हैं पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं या हमें मिलते हैं, जिनकी मदद से हम वेरिएबल्स और उनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. तो पाइथन के डेटा टाइप्स ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. पहला डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप. एक्चुअली ये एक कैटेगरी है, मतलब न्यूमेरिक में न्यूमेरिक डेटा टाइप एक कैटेगरी है. एक्चुअल डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. न्यूमेरिक डेटा टाइप की कैटेगरी में 3 टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स. तो अगर आपसे पूछे, कोई भी अगर आपसे पूछे कि पाइथन डेटा टाइप कौन से हैं, तो आप बोलेंगे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, और ये तीनों एक ग्रुप में हमने कंबाइन कर दिए हैं, उस ग्रुप का नाम है न्यूमेरिक. तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यूमेरिक एक डेटा टाइप है, नहीं, डेटा टाइप्स है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये तीनों ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमने उन्हें न्यूमेरिक कैटेगरी में कंबाइन कर दिया है. तो न्यूमेरिक टाइप के कितने डेटा टाइप्स हमारे पास है, इंटीजर. अब इंटीजर का क्या एग्जाम्पल हुआ, जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 3 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 123 हो गया, और कितने भी ऐसे नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कौन सी होती है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप उन वैल्यूज को कंटेन करता है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट के आगे और पीछे कुछ डिजिट्स होंगी, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है. कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कौन सी होती हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में वो सारी वैल्यूज आती हैं जिसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है. अब आपको मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जनरली इमेजिनरी पार्ट को हम आई या आयोटा से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन पाइथन में जब हम इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं तो हम जे, स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, एक रियल वैल्यू प्लस माइनस उसके साथ एक इमेजिनरी वैल्यू, और इमेजिनरी वैल्यू को डिनोट करने के लिए आप स्मॉल जे यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है. दूसरा जो डेटा टाइप है, अभी ये 3 डेटा टाइप्स हमारे हो गए, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स. अब नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं, अगर मैं इसे 4th डेटा टाइप बोलूं तो ये है सेट. सेट का क्या मतलब है, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन होता है. इसमें
अभी तक जो हमने तीन डेटा टाइप्स देखे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, इसके हर वेरिएबल में एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन एक सेट जब हम बनाते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। तो एक वैल्यू वाला ये भी सेट है, कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन कर रहा है हमने, जिसमें सिंगल वैल्यू है 5, और ये भी आपका सेट है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं और कुछ वैल्यूज रिपीट भी हो रही हैं। तो सेट की मैं बहुत शॉर्ट में अभी बता रही हूँ, डिटेल में हर डेटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे, तो डू नॉट वरी अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा, आप आगे प्लेलिस्ट में डिटेल वीडियो हर डेटा टाइप की आपको मिलेगी इवेंचुअली, ठीक है। तो अब सेट की मैं बारे में बात कर रही थी। सेट में एक वैल्यू हो सकती है या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, और जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो उस केस में जब आप इस सेट को प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट क्या करता है कि सब की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो कोई भी डुप्लीकेट्स अगर हैं आपने सेट में लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर उसे हटा देगा और आपके सेट को सिर्फ यूनिक वैल्यूज की तरह यूनिक वैल्यूज ही कंटेन करवाएगा आपके सेट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेटा टाइप जो आता है वो है बूलियन। बूल मतलब टू, ठीक है, दो। अब टू का क्या मतलब है, इस डेटा टाइप में दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, और ये भी ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हमें पता है पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ट्रू में टी कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल होंगे, एफ में एफ कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल होंगे, ठीक है। दो ही वैल्यूज हैं इस डेटा टाइप में और कोई वैल्यू अलाउड नहीं है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से ही बनाई जाती है, लेकिन इसमें और सेट में डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी में हर एलिमेंट एक पेयर होगा, पेयर में दो पार्ट्स होंगे, मतलब पेयर में दो ही चीज़ें होती हैं, तो पहले पार्ट को हम कहेंगे की और दूसरे पार्ट को कहेंगे वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहले पार्ट में लिखा नेम, ये हो गई की, और इसकी वैल्यू क्या है, सपोज ए, फिर मैंने दूसरी दूसरी की लिखी, ये एक पेयर हो गया, यानी ये एक एलिमेंट है मेरी डिक्शनरी का। दूसरा एलिमेंट क्या है, मैंने नाम, मैंने की तो दिया नाम एज, और फिर इसकी वैल्यू लिखी 63, ठीक है। तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया डिक्शनरी का। तो ये एक डिक्शनरी है क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट से बनी हुई है, लेकिन क्योंकि इसमें पेयर्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसीलिए ये सेट से अलग है। पहले वाले एलिमेंट को हम कहते हैं की, फिर हम लिखते हैं कोलन, और दूसरे वाले एलिमेंट को हम कहते हैं उस की की वैल्यू। तो पेयर्स के फॉर्म में डिक्शनरी हम लिखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी आती है डेटा टाइप्स की, वो आती है सीक्वेंस। सीक्वेंस का अगेन मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, और कुछ ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। सीक्वेंस मतलब हर एलिमेंट अब की एक फिक्स पोजीशन होगी यहाँ पे, ठीक है। अब स्ट्रिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिंग मतलब सिंगल कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर ही नहीं, यहाँ पे अगर हम डिजिट या स्पेशल सिंबल लिखें, चाहे सिंगल कोटेशन मार्क्स में या फिर डबल कोटेशन मार्क्स में, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसे हमने सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स के बीच में लिखा है, उसमें कैरेक्टर भी आ सकता है, स्मॉल, कैपिटल, डिजिट भी आ सकती है, और कोई स्पेशल सिंबल भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें भी एक एलिमेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट भी यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, और इसमें कोई यूनिकनेस का कंस्ट्रेन नहीं होता। अगर आपने दो वैल्यूज रिपीट करी है तो पाइथन इंटरप्रेटर उसे एज इट इज रहने देगा, ठीक है। टपल हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है, और इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यू स्टोर करते हैं, राउंड ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट,
राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसमें आप एक एक से ज़्यादा वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज और उनके फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया. हर एक को हम डिटेल में इस कोर्स में डिस्कस करेंगे. अभी जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर गिवन है तो कैसे आप पता लगाएंगे कि उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है. तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन है या टाइप फंक्शन है. अब इस टाइप फंक्शन की मदद से हम पता लगा सकते हैं किसी भी वैल्यू या वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, कौन सी क्लास डेटा टाइप है. ठीक है, अब टाइप फंक्शन दो तरीके से काम कर सकता है. या तो इसमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट आप पास करो, आर्ग्यूमेंट मतलब एक वैल्यू जो इन राउंड ब्रैकेट्स के बीच में पास होगी, या फिर आप तीन आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं. जब आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तब हमें जो भी वैल्यू जो भी वेरिएबल आपने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है उसका डेटा टाइप पता लगता है. तो डेटा टाइप पता लगाने के लिए आपको सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करनी है, राइट. तो तीन आर्ग्यूमेंट का केस आपको डेटा टाइप के लिए नहीं याद रखना, वो तब होता है जब आपको कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन या वैल्यूज पे काम करना होता है. तो अभी हमें जो काम करना है, हमें टाइप फंक्शन से किसी एक वेरिएबल या वैल्यू का डेटा टाइप पता लगाना है. तो उसके लिए हम वो वैल्यू या वो वेरिएबल टाइप फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में टाइप करेंगे या लिखेंगे. तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम पाइथन में चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज. तो ये है मेरी जुपिटर नोटबुक जिसमें मैंने अलग अलग कोड लिखे हुए हैं, शॉर्ट कोड्स, ताकि हमारा टाइम यूटिलाइज हो और हम फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ पाए. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है जिसका नाम है आई, उसे वैल्यू असाइन करी है 12. अब मुझे पता लगाना है आई का डेटा टाइप क्या है. तो इसके लिए मैं टाइप फंक्शन यूज़ करूँगी. तो टाइप फंक्शन के लिए मैंने टाइप वर्ड लिखा है टाइप, ब्रैकेट में कौन से वेरिएबल का मुझे डेटा टाइप पता लगाना है आई, और जो भी ये वैल्यू आएगी मैंने टी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर ली है. आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में टाइप ऑफ आई, टाइप ब्रैकेट आई, है ना. लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए जो भी आई का टाइप आएगा उसे उस वैल्यू को टी नाम के एक नए वेरिएबल में सेव करा लिया है. फिर मैंने आई को प्रिंट कराया है, मतलब वैल्यू क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है. तो जब मैं इसे रन करूंगी शिफ्ट एंटर प्रेस करके, आप देख सकते हैं प्रिंट आई के लिए मेरा आउटपुट आया है 12 और प्रिंट टी के लिए आउटपुट आया है क्लास इंट. इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है 12 और ये जो वेरिएबल है आई, वो कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है, इंटीजर को, और वो क्लास है एक इंट नाम की. ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट उस पे आते हैं. नेक्स्ट वेरिएबल जो मैंने डिफाइन करा है वो है एफ, उसकी वैल्यू है 54.2. टी नाम के वेरिएबल में मैंने एफ का टाइप फाइंड आउट करके स्टोर कराया है, और जब मैं ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करूँगी यानी प्रिंट कराऊँगी एफ को, मतलब उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, और प्रिंट कराऊँगी टी को, टी यहाँ पे अब एफ का डेटा टाइप स्टोर करेगा. ठीक है, तो जब मैंने रन किया आप देख सकते हैं कि एफ क्या वैल्यू थी, 54.2, ये यहाँ पे एग्जैक्टली आ गया है, और टी में क्या वैल्यू थी, 54.2 का डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या है, 54.2 फ्लोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है या एक इंस्टेंस है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है सी, जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का मैंने डिफाइन किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेजिनरी पार्ट को स्मॉल जे से रिप्रेजेंट किया है. फिर इसका टाइप मैंने कैलकुलेट करा है, मतलब कंप्यूट करके स्टोर करा है टी नाम के वेरिएबल में, और फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका डेटा टाइप जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को बिलोंग करती है ये वैल्यू 7+6j. ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाइथन ने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस वैल्यू को डाला है. ओके, नेक्स्ट हमारी वैल्यू, जो नेक्स्ट एक वेरिएबल मैंने क्रिएट करा है वो क्रिया किया है बीटी. बीटी का मतलब बूलियन ट्रू, इसकी वैल्यू बूलियन ट्रू मैंने रखी है. जो ट्रू एक वैल्यू होती है बूलियन की आउट ऑफ द टू वैल्यूज, इसका जब मैंने टाइप फाइंड आउट किया और प्रिंट करा, आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट आ रहा है क्लास का नाम है बूल, ना कि बूलियन. ठीक है, बूलियन डेटा टाइप हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली जो पाइथन में डिफाइंड है वो बूल क्लास है.
ओके अब इसको अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी अगर मैं करती हूँ और इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि अब ये बूलियन वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये बूलियन वैल्यू होती तो कैपिटल टी होता और वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा था, क्योंकि वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, मैं टॉप राइट कॉर्नर में लिंक डाल रही हूँ, आप कीवर्ड समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। अब ये ना तो एक बूलियन वैल्यू है ना ही ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग होता तो डबल या सिंगल कोट्स में होता, तो इसीलिए यहाँ पे पाइथन ने एरर दिया है। जैसे ही मैंने कैपिटल टी वापस किया और ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर ने इसे समझा कि ये एक बूलियन वैल्यू है और इसे हाईलाइट करा ग्रीन बोल्ड में। अब जब मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूँगी आप देख सकते हैं bt जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू है ट्रू और उसका टाइप है बूल क्लास, यानी बूलियन डेटा टाइप या बूल डेटा टाइप को बिलोंग करता है और ये बूल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया पाइथन में हर एक वैल्यू, हर एक वेरिएबल, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली बूलियन फॉल्स हमने ट्राई करा है, यहाँ पे हम कैपिटल में पूरा अगर फॉल्स लिखेंगे आप अगेन देख सकते हैं कि ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा पाइथन और ये भी एरर देगा। तो जब मैंने फॉल्स लिखा विद अ कैपिटल एफ और बाकी स्मॉल केस में इसका टाइप फाइंड आउट करा तो अगेन बूल क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू है फॉल्स। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया है एस नाम से, एस यहाँ पे एक सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में हमारे पेयर्स में वैल्यू नहीं है इसीलिए पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि ये सेट है। अगर पेयर्स में वैल्यू होती तो वो डिक्शनरी बन जाती, ठीक है, दोनों में ही कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। अब इस सेट को जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी और इसका टाइप प्रिंट कराऊंगी टी वेरिएबल में स्टोर करके, तो देखिए क्या आंसर आएगा आपका आउटपुट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल सेट मैंने टाइप किया था उसमें 1 दो बार रिपीटेड था, 3 तीन बार रिपीटेड था, लेकिन जो सेट प्रिंट हुआ है उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, तो पाइथन इंटरप्रेटर सेट को ऑटोमेटिकली यूनिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप टपल है, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है टीपी, राउंड ब्रैकेट्स में मैंने 3 वैल्यूज स्टोर कराई हैं और फाइंड आउट करी है उसकी क्लास। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है राउंड ब्रैकेट्स में 1, 3, 5 ये टपल क्लास को बिलोंग करता है, ओके। नेक्स्ट हम और लास्ट हमारा सेकेंड लास्ट हमारा जो डेटा टाइप हमें देखना है वो है एसटी। एसटी बेसिकली एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग कैसे है, क्योंकि हमने ये सिंगल कोट्स में यहाँ पे इसे सेव कराई है इसकी वैल्यू। सिंगल कोट्स में यहाँ पे नंबर भी आ रहे हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है और अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, तो सिंगल कोट में आप कुछ भी लिखेंगे वो कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग बन जाएगा, चाहे वो नंबर हो, डिजिट हो, अल्फ़ाबेट हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। अब जब मैंने इस स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप प्रिंट कराया तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा str। str क्लास का नाम है जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है और इस स्ट्रिंग की क्या वैल्यू है, 3500 प्लस सब्सक्राइबर्स जो हमने यहाँ पे टाइप करी थी, ठीक है। लास्ट हमारा डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है l। l क्योंकि लिस्ट राउंड स्क्वेयर ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेड है और इसमें भी मैंने रिपीटेड वैल्यूज डाली हैं, लेकिन अब जब आप प्रिंट कराएंगे लिस्ट और इसका टाइप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर ने कुछ चेंज नहीं किया है, रिपीटेड वैल्यूज को भी रखा है और इस क्लास, इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है लिस्ट टाइप। तो ये थी आज की सारी डेटा टाइप्स जो हमने पाइथन में पढ़ी। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्या क्या पाइथन में वेरिएबल्स है, किस टाइप की वैल्यूज होती हैं और क्या क्या आप उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।